हमारे पास लेफ्ट ओवर रोटी बची हुई है, तो इस रोटी से हम बनाएंगे रैम। कैसे बनता है ये आप लोग देखिए, मेरे पास ये वेजिटेबल स्टफ है जिसमें बॉयल आलू है और सारी वेजीज जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये कुछ सॉसेज है, मस्टर्ड सॉस और चिली सॉस और इमली सॉस, आप अपने अकॉर्डिंग सॉस दे सकते हैं। आप चाहे तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, और ये मेरे पास चीज़ है तो चीज़ का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और कैसे बन रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से बन के रेडी होने वाला है। ठीक है सर, देखिए स्टफ कैसे भरेंगे। रोटी गोल है तो इसको ऐसे करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा हाफ कट लगाएंगे। ठीक है, रैम बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है हाफ कट लगाना, तो हमने हाफ कट लगा के सारी रोटियों को रख लिया है। और रखने के बाद में हम इसमें सॉस लगाएंगे। अलग अलग जगह पे आप अलग अलग सॉस लगा सकते हैं। ये कौन सी सॉस है मम्मा? मिक्स, ये चिली सॉस है। ये आपको अगर मिक्स फ्लेवर चाहिए तो एक जैसा भी सॉस लगा सकते हैं। ये इमली वाली चटनी, क्योंकि आप लोगों को सभी को बहुत सारे लोगों को इमली अच्छा लगता है, सो और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर क्रिएट करें उसके लिए मैं इसमें मस्टर्ड सॉस डाल रही हूँ। आप चाहे तो टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मम्मा ये तो आधा मैं अपना सारा मिक्स फ्लेवर करके आधा प्लेन क्यों? इसमें अभी हम ये जो हमने स्टफ रेडी करके रखा है आलू के साथ वाला वेजिटेबल्स, और हमने स्टफ डाल दिया है रोटी के अंदर, और उसको इस तरीके से पैन में बटर या सोया रिफाइंड जो भी आप खाते हैं उसमें हमको ब्राउन शेड करके सेक लेना है। उसके जो भी सॉस पसंद है उसके साथ खा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो यूजफुल और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय।